चौपाल चर्चा की टीम पहुंची हरियाणा की जिला नू मेवात गांव परोटा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार कई तरह की सरकारी योजनाएं लेकर आती है, लेकिन उन सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत क्या है, क्या उनका लाभ किसान ले पा रहे हैं, इसी बात का जायजा हम लेते हैं चौपाल चर्चा कार्यक्रम में। और इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं हरियाणा के नू जिले के बरोटा गाँव में। तो आइए चलते हैं गाँव की ओर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम हरियाणा के नू जिले के बरोटा गांव में मौजूद है और यहां पर साथी किसान हमारे साथ इस चौपाल पर हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और सरकारी योजनाओं का जायजा लेंगे, देखेंगे कि इन्हें कितनी जानकारी है और कितना लाभ ले पा रहे हैं सरकारी योजना का। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना परिचय हमें दे दें, अपना नाम बताएं कृपया। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार, नंबरदार गांव बरोटा जी। आपसे मैं जानना चाहती हूं कि जो फसल अवशेष है उसका प्रबंधन आप लोग किस तरह से करते हैं? खास तौर पर हम देखते हैं कि पराली जो होती है, धान की पराली, उसको जलाने से बहुत नुकसान भी होता है। तो चाहे धान की पराली हो या फिर अन्य फसलें हैं, उनके अवशेष का प्रबंधन किस तरह से करते हैं? देखिए मैम, ये भी बहुत एक अहम मुद्दा है आज का, क्योंकि हम NCR में आते हैं और दिल्ली के बहुत समीप है और हम पे बार बार लांछन ये लगता है कि दिल्ली वाले सीधे सट उंगली हरियाणा पे करते हैं जी। पर मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं मेवात जिले से बिलोंग करता हूं, हमारे यहां एक तिनका पराली का जलाया नहीं जाता है जी। अब आपने पूछा कि हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं। नंबर वन, हम इसके अवशेषों को इकट्ठा करके अपने पशुओं के चारे के लिए मेन करते हैं। अच्छा, जो बच जाता है हम उसको खेत में बिखेर देते हैं और बिखेरने के बाद उसको जोत देते हैं जी। अब आगे बात टेक्निकली, अब हमारे डॉक्टर साहिबानों द्वारा, कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्र मेढकोला के द्वारा, पूसा के अधिकारी हमारे पिछले एक साल से हमारा बहुत बड़ा सहयोग सहभागी रहे हैं, वो भी हमें डीकम्पोस्ट के बारे में बताते हैं जी। अभी जैसे पीछे से प्रोग्राम हुआ था केवी के बावल के अंदर, वहां भी इस बात पे जोर दिया गया था कि मात्र एक 20 रुपए की सीसी है जी जी। हमने इसको सिर्फ इतना करना है, जमींदार को थोड़ा सा दुखे पाना है कि उसको, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस चीज की नौबत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे यहाँ हाथ से कटाई होती है जी। और वो हार्वेस्टिंग जो करते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। सो फिर भी हम इस 20 रुपए की सीसी में और दूसरी दो चार चीजें मिला करके हम खेत में इसमें स्प्रे कर देते हैं। सो आफ्टर सम डेज ओनली, कुछ दिन के बाद ये बिल्कुल गड़ जाएगी और वो जुताई में आ जाएगी, वो हमारी खेत की ओसी भी बढ़ाएगी, पीएच भी बढ़ाएगी और नाइट्रोजन की पूर्ति करेगी और अन्य जो भी है न्यूट्रिएंट्स है उनकी भी आपूर्ति करती है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और किसानों से यहाँ पर बातचीत करते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें और आपसे भी जानना चाहेंगे हम सरकारी योजनाओं के बारे में कितनी जानकारी आप रखते हैं। महेंद्र नाम हूँ, गाँव बारोटा जी। महेंद्र जी, हमें ये बताइए कि जो फसल अवशेष होता है आपके खेतों का, उसका प्रबंधन आप लोग कैसे करते हैं? हम चारा के लिए कर लेते हैं, मतलब जो है उसको कटवा कर अपन पशुओं के लिए चारा के लिए यूज कर लेते हैं जी। यानी कि जो फसल जलाने की जो समस्या है और इस तरह की समस्या आपके क्षेत्र में बिल्कुल नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप अपना नाम बताएं, आपसे भी हम जानना चाहेंगे सरकारी योजनाओं के बारे में। नेम प्रवीण है जी। जी प्रवीण जी, प्रवीण जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो फसलों का अवशेष होता है वो किस तरह से उसका निस्तारण आप लोग करते हैं, क्या करते हैं उस फसलों के अवशेष का? मैम, फसलों का अवशेष का हम ज्यादातर तो अपने चारा के लिए यूज करते हैं और वैसे हमारे यहाँ पे कोई पराली वगैरह तो कोई जलाता ही नहीं है, जो भी बाकी बचता है थोड़ा बहुत तो उसको हम अपने खेतों में बखेर के उसको मतलब हैरो वगैरह से जोत देते हैं, ट्रैक्टर वगैरह से जुताई कर देते हैं जी। बहुत अच्छी बात है। आइए आगे बढ़े, यहाँ पर कुछ और किसानों से मैं बात करना चाहूंगी। कृपया आप भी अपना नाम बताएं हमें। वीरेंद्र कुमार जी। जी, क्या आपसे जानना चाहेंगे कि जो फसलों का अवशेष होता है आपके खेतों में, क्या करते हैं उसका? वो उसके चारे में काम करते हैं हम, वैसे खराब नहीं करते, जलाते नहीं जी।
बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए योजना के बारे में जानकारी लेते हैं और देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत में खेती से बचे अवशेष करीब 31 करोड़ 70 लाख टन होने का अनुमान है, जिसमें से धान के अवशेष या पराली 51 से 57 फीसदी तक होती है। इस पराली को देश के उत्तर पश्चिम राज्यों, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में जलाए जाने की घटनाएं ज्यादा होती हैं, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, बिहार जैसे प्रमुख राज्यों में पराली का चारा घरेलू ईंधन, औद्योगिक कामों में उपयोग में लाया जा रहा है। पराली जलाने की कुछ खास वजहें भी हैं। आज की खेती में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा है। इनमें से एक मशीन है कंबाइन हार्वेस्टर। इस मशीन ने खेती में कटाई के काम को बहुत आसान बनाया है और किसानों की कई तरह की समस्याओं को हल भी किया है। लेकिन इसका एक परिणाम पराली के रूप में भी सामने आया। ये मशीन फसल का साफ दाना तो किसानों की झोली में डालती है, पर साथ ही उसे पराली भी सौंप जाती है। किसान इस पराली को मुश्किल समझते हुए इसके निपटारे के सरल उपाय के तौर पर इसमें आग लगा देते हैं। ये भी देखने में आया है कि धान की कटाई और अगली फसल की गेहूं की बुवाई में समय का अधिक अंतर नहीं होता, तो ऐसे में श्रमिकों की मांग अधिक होती है और कम श्रम उपलब्धता और अधिक मजदूरी को बचाने के लिए भी पराली को जला दिया जाता है। कार्यक्रम चौपाल चर्चा में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। सूखा हो या पे मौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश के रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियाँ, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई, सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को पीएमएफबीवाई के अंतर्गत कवर किया जाता है।
ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? पीएमएफबीवाई योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या केसीसी का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था, लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और आज हम मौजूद हैं हरियाणा के नूंह जिले के बरोटा गांव में। तो आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आइए चौपाल चर्चा में बातचीत का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हैं, कुछ और किसानों से आइए बात करें। कृपया आप हमें अपना नाम बताएं। परमानंद जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके खेतों का जो फसल का जो अवशेष होता है वो उसका आप लोग किस तरह से प्रबंधन करते हैं? उसका तो जी तकरीबन हमारे यहाँ 90% से आर एम यूज है।
अच्छा, तो हमारे यहाँ बसता ही नहीं क्या आग लगाई जाए या कुछ और काम किया जाए। जब चारे में यूज हो जाता है तो उसकी जरूरत ही नहीं किसी चीज की आग लगाने की। और बाकी बचा जो फसल है उसके लिए हमारे बसता ही नहीं असलियत, तो हमारे कोई 2-4% बचेगा, हमारे तो बसता ही नहीं बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप अपना नाम बताइए, आपसे भी हम जानकारी चाहेंगे। जब का नाम है जी, गांव बारोटा जी। फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में क्या आप लोगों को समय समय पर जानकारी दी जाती है कि किस तरह से इसका जो इस्तेमाल है वो बेहतर तरीके से आप लोग कर सकते हैं, और आप लोग क्या करते हैं आमतौर पर? हाँ जी, बार बार बताते रहते हैं, जो फसल बोनी है वो टाइम पे बोते हैं। जो फसल कटाई के बाद जो फसल का अवशेष बचता है उसके लिए, उसका हमारे यहाँ तो बचते ही नहीं है जी, 100% कटाई मतलब चारे में यूज होता है, इधर नहीं बचता कोई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे भी मैं जानना चाहूंगी योजनाओं के बारे में, बताएं कृपया अपना नाम हमें। मेरा नाम जगदीश है जी, गांव बारोटा, तहसील नू, जिला नू। जी अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी फसल अवशेष प्रबंधन कैसे करते हैं आप लोग? ये जो हम तो जो अपने चारा जो है सारा जितना भी पैदा होता है वो चारा पशुओं के लिए ले आते हैं, पशुओं के काम में ले लेते हैं, और जो वैसे जो पराली जो है उसको जो हम अपने चारा में ले लेते हैं, और उसको फैला के थोड़ी बच्ची बच्ची जोत में ले लें, जुताई कर देते हैं जी। अच्छा, जुताई कर देते हैं खेतों में। हाँ जी, तो उसको कोई जो है जड़ाता नहीं है। जी जी, तो खेतों में जुताई करने से क्या लाभ होता है? उससे थोड़ी बहुत जो है मिट्टी लगने थे उसके खाद बन जाती है, और खाद जो फसल में काम आ जाती है। जी आइए, किसानों से बातचीत को यहाँ पर जारी रखते हैं, और कृपया आप अपना नाम बताएंगे हमें और बताइए। राजवीर, गांव बारोटा जी। जानना चाहेंगे आपसे कि आपके क्षेत्र में फसल अवशेष प्रबंधन जो है वो किसान किस तरह से जागरूकता से कर रहे हैं, क्या इसके बारे में समय समय पर आप लोग को जानकारी दी जाती रही है? मैडम ये तो सभी बता रहे हैं, सारे जमींदारों ने जो बताया है वही है, हमारे यहाँ पराली को बिल्कुल कभी नहीं, कोई किसान नहीं जलाता, सब अपने पशुओं के चारे के लिए यूज में लाते हैं जी। और खाद बनाने में भी क्या इस्तेमाल? हाँ, खाद बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं जी, जो 2-4% पराली बच जाती है तो उसको हम जुताई कर देते हैं खेत में, जो कि वो खाद का काम करती है, मिट्टी लगने के बाद वो गल जाती है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए योजना के बारे में जानकारी लेते हैं और देखते हैं ये रिपोर्ट। पराली को जलाने से मनुष्य और मवेशी, मानव और मिट्टी सभी पर खराब असर पड़ रहा है। कई अध्ययनों से ये बात सामने आई है कि इससे कई तरह के जीवों के जीवन को नुकसान पहुंच रहा है। इनमें ऐसे जीव भी हैं जो खेती के लिए लाभकारी होते हैं। पराली जलाने से ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। ये गैसें धरती का तापमान बढ़ाती हैं, जिसके प्रभाव से आने वाले समय में खेती ही नहीं मनुष्य का जीवन भी बदल सकता है। पराली जलाने से मिट्टी की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। जहां पराली जलाई जाती है वहां की मिट्टी काली पड़ जाती है, और उसमें मौजूद पोषक तत्वों पर अधिक तापमान का खासा असर देखा गया है। इसका असर ये हो सकता है कि अगली फसल के लिए जरूरी पोषक तत्व मिट्टी में नहीं होंगे, जिससे कुल उत्पादकता में कमी आ सकती है। देश का वैज्ञानिक समुदाय भी इस समस्या का हल निकालने में जुटा है। पराली जलाने की घटनाओं के बारे में पता लगाने के लिए सैटेलाइट की मदद ली जा रही है, और किसानों को पराली से खाद बनाने, गत्ता और दूसरी चीजें बनाने और बिजली बनाने के लिए इसके उपयोग की सलाह भी दी जा रही है। गेहूं की बिजाई की नई तकनीक जीरो टिलेज हैप्पी सीडर पर भी जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम चौपाल चर्चा में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, तभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो, बात
मेहनत बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा और आज हम मौजूद हैं हरियाणा के नूंह जिले के बरोटा गांव में। तो आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आइए कृपया अपना नाम बताइए। सत्यनारायण जी। और फसल अवशेष प्रबंधन, फसल अवशेष हमारे चारे में यूज होता है सब। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जरा भी जो जड़ाए नहीं जाते है उसे जलाना नहीं पड़ता। जी, बहुत बचता है वो जुताई में हो जाता है। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और पीछे भी कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। विनोद कुमार जी, गांव जी। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे हम कि फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जो उपाय किए जा रहे हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उस पर? जो फसलों का अवशेष बचता है और उसको जो खाद में तब्दील करने के लिए कोशिशें की जा रही है, डिकम्पोजर जैसा है किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है, तो वो आपको ये प्रयास कैसे लगते हैं? बढ़िया है जी। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे विशेषज्ञ मेहमान से भी यहाँ पर बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं। मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए अपना परिचय दे दें। कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मैं डॉक्टर एनवी कुंभारे प्रभारी हूँ भारतीय कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र अटिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से। जी डॉक्टर कुमारी, यहाँ पे हमने किसानों से बातचीत की है और बहुत अच्छी बात इस गांव में हमें देखने को मिली है कि यहाँ पर फसल अवशेष को किसान जलाते नहीं है, खास तौर पे उसका चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं और बहुत थोड़ा सा जो भी बचता है उसको वो अपनी मिट्टी में ही जुताई कर देते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ के किसान काफी जागरूक भी हैं और उन्हें जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही आपसे मैं जानना चाहूंगी कि उन्हें और क्या सुझाव देना चाहेंगे आपके, और बेहतर तरीके से कैसे इस जो भी फसल अवशेष होता है उसका वो प्रबंधन कर सकते हैं। सही बात कहा मैडम। इस गांव के हम लोग, इस गांव में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बायोटेक किसान हब परियोजना है भारत सरकार की, उसके तहत आ रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी का हम लोग डेमोंस्ट्रेशन करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं। आज का जो विजिट हमने जो किया है तो इसमें हम लोग अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को प्रमोट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि दिल्ली NCR में कितना प्रदूषण छाया हुआ है और खुशी की बात यह है कि इस गाँव के किसान जो है बहुत जागरूक है और पराली को जलाते नहीं है। बिल्कुल, और पशु चारे में पराली का इस्तेमाल करते हैं और कुछ 10% की तरफ जो जो अवशेष है उसको वो जमीन में ही गलाते हैं। तो मैं किसान भाइयों को आज बताना चाहूंगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से ये कंपोस्ट का टीका जो पूसा डिकम्पोजर बोलते हैं इसको विकसित किया है और ये बहुत ही अच्छा है। और ये कंपोस्ट टीका 1 लीटर की बॉटल है और ये 1 लीटर की बॉटल 20 रुपए में मिलती है, मात्र 20 रुपए में जी। और ये जो है 1 टन कृषि अवशेष को गलाने के लिए काफी है। अच्छा, 1 टन, बहुत बढ़िया। और किसान भाई इसको लगा के कम से कम 15 से 20 दिन में इसको पूरा गल जाता है, उसके बाद में इसको बुआई कर सकते हैं जी। तो दोबारा जब इसकी जरूरत पड़े तो क्या उन्हें दोबारा खरीदने की जरूरत है या फिर इससे ही आगे वो कंपोस्ट और बना सकते हैं? इससे ही हम कंपोस्ट बना सकते हैं, कंपोस्ट का टीका बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा अवशेष इसमें लिक्विड उसको डाइल्यूट करके 5 लीटर पानी में इसको घोल के कर देंगे तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसमें वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं जी। और उसको हम एक बार ये बॉटल खरीद ली तो वो कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।
इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद है, आइए उनसे भी बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं। कृपया आप अपना परिचय हमें दें। मैं डॉक्टर UIP सिंह, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी एटिक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में कार्यरत हूँ। डॉक्टर सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पराली प्रबंधन को लेकर हम बात कर रहे हैं, फसल अवशेष प्रबंधन की बात कर रहे हैं, यूं तो इस गांव में हमने देखा कि जलाते नहीं है, लेकिन बहुत सारे हरियाणा के ऐसे किसान हैं जो पराली जला देते हैं। बताएं हमें कि इससे किसानों को ही खासतौर पर किस तरह का नुकसान है, उनके खेतों को, उनकी मिट्टी को किस तरह का नुकसान इससे होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे किसानों को तो हो ही रहा है, साथ साथ पूरे वातावरण को जो NCR में आजकल देख रहे हैं पूरा धुआं छाया हुआ है, और जो किसानों का है सबसे बड़े नुकसान है जो उनके लाभकारी बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी उससे नष्ट हो जा रहे हैं, जिससे जो उनको क्या करे फायदा देने के लिए जो प्रोडक्शन में इंक्रीज करता बढ़ोतरी होती उसका भी नुकसान होने से उनकी पैदावार में घटोतरी हो रही है। इसलिए किसान भाइयों से ये हमारा अनुरोध है कि इसको जलाएं नहीं। हमारे यहाँ जो डिकम्पोजर है पूसा संस्थान द्वारा विकसित किया गया है उसको यूज करें। ये जो एक लिक्विड में दिखा रहे थे डॉक्टर साहब, इसका हमारे यहाँ कैप्सूल फार्म में भी एक आ रहा है जो 20 रुपए के एक कैप्सूल है, और 4 कैप्सूल किसानों को दिया जाता है जी। और 4 कैप्सूल जो है 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है, और उसको लेके वो उससे भी वो कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का चौपाल चर्चा कार्यक्रम, हरियाणा के नूंह जिले के बरोटा गांव से, जहां पर किसानों से हमने योजना के बारे में बातचीत की और देखा कि किसानों में कितनी जागरूकता है और योजना का लाभ भी ले रहे हैं। इसी तरह से योजना का जायजा लेकर हम आते रहेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।